आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ अजमेर शरीफ की सच्चाई। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे सूफी संत कहा गया है, जिनकी दरगाह पर लाखों हिंदू माथा टेकते हैं, उन्हें बता दें कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने जीवन काल में 30 लाख से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर के नरेश पृथ्वीराज चौहान को मुसलमान बनने की दावत दी थी। चौहान के इनकार करने पर ख्वाजा ने कहा, ये इस्लाम पर ईमान नहीं लाता, मैं इसे लश्कर इस्लाम के हवाले जिंदा गिरफ्तार करा दूंगा। चिश्ती ने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार गोरी को युद्ध में हराया और हर बार गोरी कुरान की कसम खाकर पैरों में पड़ जाता था और पृथ्वीराज उसे क्षमा कर देते थे। 70वें युद्ध में जयचंद की गद्दारी के कारण पृथ्वीराज पराजित हुए। गोरी उन्हें बंदी बना ले गया। हिंदू गौरव पृथ्वीराज चौहान ने वहां गोरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार गिराया। पृथ्वीराज के बाद चिश्ती ने अजमेर के सारे मंदिर तुड़वा दिए और उनके मलबे से एक मस्जिद बनवाई, जिसका नाम है ढाई दिन का झोपड़ा। पृथ्वीराज चौहान के बाद उनकी पत्नियों ने लाल किले में जौहर कर लिया, लेकिन उनकी बेटियों ने मोइनुद्दीन चिश्ती की हत्या कर दी। ऐसी थी हमारी बेटियां। ऐसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जब आज के हिंदू ही पूछते हैं तो बड़ा दुख होता है।